Hi friends, this is Gaurav. Once again, I am here. मैंने आपको जैसे वादा किया था मेरे पहले वीडियो में, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट और प्रीपेड इनकम और इनकम रिसीवेबल का. उस टाइम पे मैंने बोला था कि मैं आपको एक सम करके भी बताऊंगा. तो जैसे वादा किया था वैसे मैं ये सम आपके लिए लेके आ चुका हूँ. ठीक है, तो अब उस दिन आपको क्या याद है, मैंने वीडियो के एंड में आपको बोला था जब भी कोई भी रिसीवेबल आया, क्या आया, कोई भी रिसीवेबल आया तो उसको आप आंख बंद करके कहाँ डाल लोगे, असेट में. और कोई भी पेएबल आया तो उसको आप कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. रिसीवेबल आया तो बैलेंस शीट असेट साइड में. ठीक है, तो अब प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है हमारा, असेट. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होएगा हमारा, जो हमको मिलना बाकी है, तो वो क्या है हमारा, लायबिलिटीज. ठीक है, और जैसे हम लोगों को प्री रिसीव्ड इनकम हो गया है, प्री रिसीव्ड इनकम हमारे लिए क्या रहता है, लायबिलिटीज रहता है. क्यों लायबिलिटीज रहता है, तो उसका एक रीजन है कि मैंने किसी का काम नहीं किया, उसके पहले ही उससे पैसे ले लिए, तो वो मेरे सिर के ऊपर क्या है, टेंशन है. जैसे मैंने गए वीडियो में भी मैंने बताया था, जब जब मेरे सिर को टेंशन होता है तो मैं किससे रिलेट करता हूँ, लायबिलिटीज से. और जब मेरी ताकत बढ़ती है तो मैं किससे रिलेट करता हूँ, मेरे असेट्स से. ठीक है, जरा अब बोर्ड पे आइए और ध्यान दीजिए इस सम को. ठीक है, मैं अब आपके सामने ये सम को रीड कर रहा हूँ. ठीक है, ध्यान दो. अब क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 25,000, इंश्योरेंस 50,000, कमीशन रिसीव्ड 20,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000. अब मैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ और वैसे इसको सॉल्व करता हूँ. मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस रुपीज 5,000. अब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब होता क्या है, ये क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैंने अभी तक कि ये जो खर्चा है वो पे नहीं किया है. क्या नहीं किया है, पे नहीं किया है, तो मेरा लायबिलिटीज है, मेरे को टेंशन है ना, मेरे सिर पे क्या है, टेंशन है, तो ये एक जगह पे तो लायबिलिटीज में आएगा. और जैसे मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि जब भी मेरा क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग, तो मेरे को वो खर्चे में क्या करना है, ऐड करना है. क्या करूंगा मैं उसको, ऐड करूंगा. ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है हमको, 25,000, वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो हाउ मच इज दिस, 25,000. मेरे एडजस्टमेंट में कितना दिया हुआ है, 5,000, तो ये 5,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब 25,000 प्लस 5,000 विल बिकम हाउ मच, 30,000. तो ये मैंने लिख दिया कितना है यहाँ पे, 30,000. अब जैसे बोला था मैंने, आउटस्टैंडिंग है, मेरे सिर पे क्या है भाई, टेंशन है, टेंशन से मेरा क्या आता है, लायबिलिटीज आता है. ठीक है, तो अब मैं लायबिलिटीज में जाता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्या लिखूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और कितना आता है ये अमाउंट मेरा, 5,000. इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना आ गया है मेरा, 5,000. जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है, दो जगह पे इसको एडजस्ट किया है, एक तो खर्चे में बढ़ा दिया और दूसरा लायबिलिटीज में लिख दिया. लायबिलिटीज में इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है, मेरे सिर पे टेंशन है. ठीक है, जरा आगे चलिए. अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ऑफ द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने क्या किया, इसी साल पे कर दिया है. क्या कर दिया है, इसी साल पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का. तो मैंने क्या बोला था, ये मेरी क्या है, ताकत की बात है. क्या है, मेरा ताकत है ना, ताकत मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में पहले से ही पैसे थे, तो मैंने पहले से ही गए साल का चीज इस साल ही पे कर दिया, तो ये मेरी ताकत है. और ताकत से किसको रिलेट करते हैं हम लोग, हमारे असेट को. किससे रिलेट करते हैं हम लोग, असेट से. ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पे समझेगी, मेरे को क्या करना है, पहले तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम को असेट में लिख देना है. चलो वो लिख देता हूं मैं. क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, ये कितना है, हाउ मच इज गिवन इन एडजस्टमेंट, 7,000. ये हमने यहाँ पे लिख दिया.
इंश्योरेंस इंश्योरेंस का एक इफेक्ट हम पास कर चुके हैं किधर असेट में, ठीक है। अब हमको दूसरा इफेक्ट पास करना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में मेरे को क्या करना है, इसको लेस करना है। मेरा ये इस साल का खर्चा नहीं है ना, हम लोग हमारे इसमें कौन सा वाला खर्चा लिखते हैं जो इस साल का होता है, वो ये इस साल का है क्या, ये अगले साल का है। अगले साल का कैसे मैं लिख सकता हूँ, कभी भी नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये आउटस्टैंडिंग होता तो मेरे को इसमें ऐड करना पड़ता, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले किया है यहाँ पे, समझा आपको। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कितना दिया है हमारे सम में, 50,000। तो ये मैं पहले लिख देता हूँ कितना है, ये मेरा 50,000 रुपया है। और पेड इन एडवांस, मैंने एडवांस में पे किया है, कितना पे किया है भाई, 7,000। तो ये 7,000 मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ। ये मैंने लेस कर दिया तो कितना आ जाएगा अब यहाँ पे, 43,000। कितना आ जाएगा ये, 43,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, और थोड़ा आगे चल रहे हैं हम लोग, तो हमको थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है, कमीशन फॉर द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस 8,000। क्या हो गया, कमीशन हम लोग को नेक्स्ट ईयर का इस साल में ही मिल गया है, तो कमीशन रिसीव। अब ये क्या है, हमारा कमीशन रिसीव है फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो मतलब ये क्या होएगा, हमारा इनकम होएगा, यहाँ से ही हमको पता चल रहा है। वो ट्रायल बैलेंस में भी कमीशन रिसीव क्रेडिट में दिया है, मतलब क्या होएगा, ये हमारा इनकम ही होएगा, बराबर। फिर उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड कितना दिया है हमारे ट्रायल बैलेंस में, वो मैं लिखता हूँ, कितना दिया है भाई, 20,000 दिया है, ठीक है। उसके बाद में अब कमीशन फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, मेरा ये साल का इनकम है क्या, नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा भाई, लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, सीधा सीधा यहाँ से इसको लेस कर दूंगा। तो लेस कर रहा हूं मैं, तो यहाँ से मेरे को कितना लेस करना पड़ेगा, 8,000। कितना मैंने लेस किया यहाँ से, 8,000। तो आउटर कॉलम में मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 12,000 रुपया। कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 12,000 रुपया, ठीक है। अब ये क्या है भाई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये अब मेरे लिए तो लाइबिलिटीज ही है ना। क्यों लाइबिलिटीज है भाई, मेरे को पहले से ही कमीशन मिल गया है, मतलब अगले का काम मुझे करके देना है, मेरे सिर पे क्या है भाई, टेंशन है। टेंशन से मेरा क्या आता है, लाइबिलिटीज। सिंपल यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिखोगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और हाउ मच इज गिवन इन एडजस्टमेंट, 8,000। बस लिख दो उसको और आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं जरा हम लोग, क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब क्या होता है, ये भी हमारा इनकम है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं इसका जल्दी से। डिस्काउंट रिसीवेबल फॉर द पीरियड इज हाउ मच, 1,300। मतलब ये हम लोगों को क्या है भाई, मिलना बाकी है। क्या है ये हम लोगों को, मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है, तो ये मिलना बाकी है मतलब रिसीवेबल। मैंने क्या बोला था, रिसीवेबल क्या होता है, हमारा असेट में आता है, बराबर, अगर आपको याद होगा तो। अब मेरी क्या होगी भाई, ताकत बढ़ेगी, तो दूसरी तरीके से भी मैं याद करा दिया आपको, कहाँ पे आएगा ये, मेरा असेट में आएगा, सिंपल। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दो, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया है हमारे सम में, 10,000 रुपया। कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में, 10,000। अब ये रिसीवेबल कितना दिया है मेरे एडजस्टमेंट में, 1,300। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कितना बन जाएगा ये, 11,300 बन गया मेरा। कितना बन गया ये मेरा, 11,300 बन गया, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीवेबल, डिस्काउंट रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ये मेरा असेट होता है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया था, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्काउंट रिसीवेबल, और कितना है ये, 1,300, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा जूम कर लेना इसको, बराबर से अच्छे से दिखा देना, ठीक है।
एक बार मैं वापस से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होता है? हमारा एक्सपेंसेस होता है। ये 25,000 को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा, फिर ये 5,000 हमारे एडजस्टमेंट में दिया था, क्या बोला है इन्होंने, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा बोला गया है कि हम लोगों को ये साल का पूरा खर्चा लिखना है, ये देना बाकी था ना, तो हम लोग को ये लिखना ही पड़ेगा। और ये क्या है, मेरा टेंशन है। टेंशन से मेरा क्या आता है भाई, लाइबिलिटीज। ये आ गया मेरा लाइबिलिटीज में, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ क्विकली, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। हमने क्या कर दिया, पहले ही उसको पे कर दिया। क्या कर दिया हमने, पहले ही उसको पे कर दिया, बराबर। तो ये मेरी क्या है, ताकत की बात है। ताकत से क्या आता है, मेरा असेट आता है, ठीक है। तो असेट आता है, तो ये देखो ये लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 7,000। और ये मेरा इस साल का खर्चा है क्या भाई, नहीं, इस साल का खर्चा नहीं है। तो मेरे को खर्चे में से क्या कर देना पड़ेगा, इसको लेस कर देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया है पहले से। कमीशन फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, मेरे को इनकम अगले साल का पहले से ही मिल गया है। अगले साल का मेरे को इनकम मिल गया है भाई किसी का, तो मेरे को तो टेंशन है ना, उसका काम करके देना है, बराबर। तो टेंशन से मेरा क्या आता है भाई, लाइबिलिटीज। तो ये लाइबिलिटीज में मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, रिसीव्ड इन एडवांस को, क्या ये मेरा इस साल का इनकम है, नहीं, तो मेरे को लेस करना पड़ेगा, सिंपल। चलो आगे, डिस्काउंट रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ये मेरा डिस्काउंट रिसीवेबल मतलब ये मेरा मिलना बाकी। जब मिलेगा तो मेरा क्या होएगा भाई, ताकत बढ़ेगा, ठीक है। तो ताकत बढ़ेगा, तो ये देखो बढ़ गया यहाँ पे मेरा ताकत 1,300 रुपये से, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद तो आया ही होएगा, और आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो शायद क्लियर हो सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि आपको ये बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, आप लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट्स में आपके वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, जरूर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय, ठीक है, बाय।